हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की डेट में एक वीडियो ऑलरेडी आ गई है, इस वीडियो को जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी, फार्मा, मेटल और जितने भी एफएमसीजी, जितने भी यहाँ पर इंडेक्सेस होते हैं, मोस्टली सबके बारे में यहाँ पर बात कर दी है। और यहाँ पर निफ्टी में बड़ी रैली होने वाली है इस गिरावट के बाद, और जो इसे यहाँ पर निफ्टी 50 को तो 20,450, निफ्टी मिड कैप को 36,450 और निफ्टी स्मॉल कैप को यहाँ पर 13,450 के आसपास लेती हुई जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, पूरा रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट क्या है, वो सब की बातें करी है। 16 मिनट का वीडियो है, थोड़ा लंबा है, बट यहाँ पर सब चीज आपकी क्लियर होती हुई नजर आएगी, पता चलेगा पैसा कहाँ बनेगा। और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स में आपको आज की दिन में छोटी छोटी वीडियोज लाके आपको बताता रहूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्वेस्ट फॉरएवर को, बेल आइकन को हिट करिए। और बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि जितना चैनल ग्रो करेगा उतनी बेहतरीन वीडियो, ज्यादा वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और आज के दिन में इतनी वीडियो आएंगी कि आप यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक कर पाएंगे इस गिरावट में। तो ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप यहाँ पर सेव कर लीजिए। अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ, बात करेंगे ईरम से रिलेटेड, ईरम फार्मास्यूटिकल्स। कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, ओके, उस दिन फिर रिजल्ट आया था, फिर वीडियो बनाई थी, आपको चीजें बताई थी, और फिर रिजल्ट आने के बाद चीजें ऊपर गई, ओके, ऊपर जाके यहाँ पर कह सकते हैं ऑपरेटर ने एक गेम प्लान किया, ओके, चीजों को ऊपर ले गया यहाँ पर 5% अपर सर्किट पे। फिर इसके बाद नीचे लगातार यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है। क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, उस चीजों पर हमेशा ध्यान रखिएगा। उन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो आप ये जो गिरावट होती है ना, यहाँ पर किसी ने ले रखा है किसी को 20% की, किसी मेरा भी ये शेयर 30% की मुझे गिरावट दिखा रहा है, तो क्या बेच देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। पहले तो सब चीज आपको कुछ सीखनी पड़ेगी, और सीखने के लिए यहाँ पर भी बताऊंगा और एक चीज और बताऊंगा कि इस वीडियो को सबसे पहले आप यहाँ पर पूरा देखिए। यहाँ पर ईरम से रिलेटेड यहाँ पर 7 days में यहाँ पर रिजल्ट जब बताया था तब बताया था। इसके अलावा यहाँ पर ईरम से रिलेटेड मैंने आपको 2 week पहले भी वीडियो बनाई थी, ओके, यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया, ओके, यहाँ पर इस दोनों वीडियो को जाके देखिए तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी जो मैं आपको इस वीडियो में ही बता रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सब, ये है छोटे स्टॉक्स, पेन स्टॉक, इनकी स्मॉल यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें 57 करोड़ की कंपनी है। 57 करोड़ की कंपनी गिरेगी भी तेज और भागेगी भी तेज, याद रखिए। अगर आप अपर सर्किट के लिए इस शेयर को लिए हैं तो याद रखिए लोअर सर्किट पे भी लगता हुआ नजर आएगा, सबसे पहली बात। तो आपको यहाँ पर गिरावट के लिए तैयार रहना है, तो गिरावट के लिए आपको डर कब नहीं लगेगा, डर तब नहीं लगेगा जब आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने कमेंट पढ़े, ओके, बहुत सारे कमेंट थे, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने 20,000 शेयर ले रखे हैं, किसी ने 10,000 शेयर ले रखे हैं। तो सबसे पहले ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा अपने माइंड को को खराब मत करिए, अपने माइंड को यहाँ पर एक साइड में लाइए। अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, ओके, तब 2 लाख लगा रही है तो कोई इशू नहीं है, तब तो 2 लाख आपके लिए कुछ नहीं है। बट अगर आपके पास आपका कैपिटल ही 2 लाख है, आपका कैपिटल 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख भी है, और वहां पर आप 2 लाख रुपए ऐसे स्टॉक्स में लगा रहे हैं तो यहाँ पर एक बेवकूफी होगी, ओके। तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ऐसे स्टॉक्स में इतना पैसा नहीं लगाते, लालच में मत पड़िए, थोड़ा थोड़ा कमा लीजिए, थोड़ा कमाओगे, धीरे धीरे कमाओगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 15-20 साल लगेंगे मार्केट में। बट अगर आप एक साथ करोड़पति बनना चाहेंगे तो एक साथ डूब भी सकते हैं। तो मार्केट को गैम्बलिंग मत बनाइए, मार्केट को एक हिसाब से चलाइए। अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसका मोर देन 3-5% से ज्यादा पैसा मत लगाइए, और ऐसे छोटे स्टॉक्स में तो केवल 2-3% ही आपको पैसा लगाना है। तो जहां पर मार्केट गिरी है 30% मेरा भी नीचे है, बट मैंने यहाँ पर घबरा नहीं रहा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही पैसा लगाया है, मैंने ज्यादा पैसा नहीं लगाया है। यहाँ पर अगर ये अपर सर्किट में गया तो उसी हिसाब से पैसा बन जाएगा, अगर नहीं गया तो यहाँ पर डूब भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको यही चीज मैंने उस वीडियो में बताई थी, यही चीज इस वीडियो में। अब बात कर लेते कुछ चीजों की। तो देखिए मार्केट ये 2600 रुपए से यहाँ पर टूट के 9 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, डेट की बात करें 75% का डेट भी है, 639 तब भी बताया था कि ये शेयर बहुत महंगा दिखाई देता है क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर चल चुका है, बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस वजह से यहाँ पर शेयर को खरीदा जा रहा है। 57 करोड़ की मार्केट कैप है, यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी है, भागेगी तेज, गिरेगी भी तेज, जो कि आप यहाँ पर देख ही चुके हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अच्छा खासा दिखाई देता है, बट जिस तरीके से ऊपर गया था उसी तरीके से नीचे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे, बट यहाँ पर देखेंगे सेल्स, कंपनी की सेल्स अच्छी खासी मतलब आती हुई दिखाई दे रही है, बट स्टिल
यहाँ पर दिसंबर की सेल्स में बड़ी गिरावट थी जो कि क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट थी, बट ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। कंपनी ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस था बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट थी, इस चीज को आपको मानना होगा। एज वेल एज यहाँ पर कुछ अदर इनकम भी थी जो यहाँ पर ऐड थी बट यहाँ पर ऐड नहीं थी, वो सब चीज मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर कर रखी है जब रिजल्ट बताए थे। और कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देती हुई नजर आ रही है 5-6 साल से, कंपनी धीरे धीरे अच्छा खासा प्रॉफिट में भी आ रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स थोड़ा बहुत ही है, रिजर्व्स कम हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स बताया था, रिजर्व्स कम हो रहा है, बोरिंग बढ़ रही है, ये सब चीज मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास काफी बेहतरीन है 70% के, और जो 29% है उसमें भी कुछ बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर शेयर ले रखे हैं, कुछ लोगों ने अभी एंट्री करी है, तो चीजें यहाँ पर आपको समझनी होगी। तो इसी यहाँ पर रिस्क भी, शेयर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है तो थोड़ा सा बेकार भी लग रहा है कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा था, मार्केट में गिरावट हुई, और जब मार्केट में गिरावट होती है तो हर एक शेयर में गिरावट होती है सबसे पहली बात। बट आज की डेट में यहाँ पर अपर सर्किट लोअर सर्किट जो लगा था वो खुलता हुआ नजर आया, और शेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जाके फिर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। और वॉल्यूम की बात करें तो देखिए ऐसे वॉल्यूम या तो यहाँ पर आए थे ओके, या फिर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। जब इस तरीके के वॉल्यूम आते हैं तो यहाँ पर जब चीजें ऊपर गई थी तो ऐसी चीजें यहाँ पर भी ऊपर जा सकती है। तो इसी व्यू से हमने शेयर लिया था कि यहाँ पर 155% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, जब इतनी गिरावट हो चुकी है ओके, तब ऐसे शेयर में थोड़ा बहुत पैसा लगाना कोई बेवकूफी नहीं है। हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही भाग लेगा, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, और टाइम क्यों लेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, अभी रिजल्ट आने पर तुम आप सोचोगे कि अभी भाग जाएगा, नहीं भागेगा ओके। ये कब भागेगा, ये भागेगा अपने रिजल्ट के टाइम पे, जब इसके दोबारा रिजल्ट आने वाले होंगे ना उस टाइम ये थोड़ा सा भागता हुआ दिखाई देगा। और तब ये मत सोचिएगा कि आपको इतने ही पैसे चाहिए, आपको पूरा इतना ही टारगेट चाहिए, 184% के रिटर्न चाहिए, जो टारगेट है ओके, जो पाइवट्स पॉइंट है यहाँ तक अगर इसे क्रॉस करता है तो भाग लेगा, बट अगर इसे इसके नीचे आता है और ये इस इन लेवल्स को निकालता है ओके, तभी यहाँ पर भागेगा, अदरवाइज यहाँ पर नीचे आके आप देख सकते हैं। और जिसने यहाँ पर ज्यादा लिया, अब जैसे मैं हूँ, मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ली, अब यहाँ पर 30% नीचे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दूंगा, अपना एक एवरेज आ जाएगा, जब चीजें ऊपर निकलेगी 20-30-40% का प्रॉफिट बनेगा, चुपचाप निकल जाएंगे। इसके अलावा ऐसी गिरावट अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले भी हुई है, यहाँ पर एक देख सकते हैं इस तरीके की गिरावट, इसी तरीके की गिरावट यहाँ पर भी हुई है, इसी तरीके की गिरावट यहाँ पर भी हुई है। और जब जब इस तरीके की गिरावट हुई है, लोअर सर्किट में आया, कंसोलिडेट किया, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है कंसोलिडेशन, तो सेम यहाँ पर भी कंसोलिडेशन थोड़ा सा चलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और फिर चीजें ऊपर निकली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर, क्योंकि आप लोग या मैं तो नहीं भगा सकता इस कंपनी को, क्योंकि मेरे पास तो 57 करोड़ नहीं है कि मैं 57 करोड़ रुपए होते तो मैं ऑब्वियस मैं इस शेयर को भगा देता, बट मेरे पास 57 करोड़ नहीं है, तो 57 करोड़ मैं इस ऑपरेटर तो हूं नहीं। तो ऑपरेटर जिनके पास है 1000 करोड़ रुपीज, जिनके पास है 500 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज, वो इस कंपनी को भगा सकते हैं, तो वही कंपनी को भगाएंगे। अभी नीचे गिरा रहे तो गिर रहा है, तो यहाँ पर एवरेज करने की सोचे, और इतना भी अगर किसी ने ज्यादा शेयर ले रखे हैं तो बिल्कुल भी एवरेज ना करे, वेट करे, और फिर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, होप सारी क्वेरीज आपको क्लियर कर दी है, शोर यहाँ पर आ रहा होगा, शोर के लिए माफी चाहूंगा। और वीडियोज को जाके देखिए, लाइक करे, कमेंट करे, यहाँ पर नंबर है, कॉन्टेक्ट करे, हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाए तो अच्छा खासा पैसा अच्छे तरीके से, कि कब इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, वो आपको पता चलेगी, और जब वो पता चलेगी तभी आप यहाँ पर करोड़पति बनेंगे। बेवकूफी करोगे तो यहाँ पर करोड़पति नहीं, आप फिर रोडपति बनते हुए नजर आओगे। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर है, कॉन्टेक्ट करिए ओके, ज्यादा की लालच में मत पड़िए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।